तो भाई सेलोन वेलकम। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आज अपन ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने डिज़ाइन किया है। बेसिकली देखा जाए तो इस वाले क्वेश्चन का केवल एक पार्ट जो है वो मैंने डिज़ाइन या फिर आप उसको कह सकते हैं मॉडिफाई किया है, बाकी के जो तीन पार्ट्स हैं वो आपको किसी भी जगह मिल जाएंगे। जैसे पार्ट नंबर ए और बी कोचिंग से पढ़ाए जाते हैं, पार्ट सी भी पढ़ाया जाता है, लेकिन पार्ट सी जो है वो चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजंस के सेकंड वाला क्वेश्चन है चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग का। क्वेश्चन कौन सा वाला? पार्ट नंबर सी। और पार्ट नंबर डी है, दैट इज अ मॉडिफाइड पार्ट। तो मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे वो कह रहा है। तो वैसे आज क्या है कि वीडियो जो है थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, क्योंकि चार चार पार्ट इतने लेंदी, जिसमें से क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि पार्ट डी जो है वो तो एक्सेप्शनली लेंदी है। ठीक है, तो फटाफट से कोई भी बात किए अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और कि ये क्वेश्चन है जो मैंने इसमें लिखा हुआ है, एक तो ये और एक इसका जो पूरा हैंड रिटन सॉल्यूशन है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ से वो ग्रुप या चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारे सॉल्यूशंस का मज़ा ले सकते हैं। राइट, दैट्स योर चॉइस। एंड सेकेंडली मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अ स्मॉल हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज प्लेस्ड ऑन अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो कैपिटल आर रेडियस का जो हेमिस्फेरिकल गोल है उसके ऊपर अपन ने एक छोटा सा स्मॉल सॉलिड हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, एंड दिस होल कंप्लीट सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ ग्राउंड। तो म्यू वन की वैल्यू वर्दन जीरो गिवन है। ठीक है, यू नीड टू फाइंड द एंगल थीटा एट विच द बॉल लूजेज द कॉन्टैक्ट विद द हेमिस्फीयर। ऑलराइट, वी नीड टू फाइंड द एंगल थीटा एट विच द बॉल लूजेज द कॉन्टैक्ट विद द हेमिस्फीयर। तो बॉल जो है वो हेमिस्फीयर के साथ कॉन्टैक्ट लूज करेगी, वो वाला एंगल थीटा अपने को निकालना है। तो पार्ट वन में गिवन है, हाँ निकालना है, चार पार्ट में निकालना है अपने को, चार केस गिवन है। पहले केस में है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर को पार्टिकल छोटी सी जो बॉल है ये अपन ने कह लिया सॉलिड स्फीयर। दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो म्यू टू की वैल्यू जीरो अपने को दे रखी है। एंड गिवन दैट द बॉल इज फिक्स्ड, बॉल भी फिक्स्ड है, म्यू टू भी जीरो है, कहीं कोई फ्रिक्शन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जेईई मेंस लेवल का। फर्स्ट पार्ट अपन करते हैं जो कि जेईई मेंस लेवल का है, फर्स्ट पार्ट जेईई मेंस लेवल का है, जिसका आंसर क्या आएगा अपने पास में, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। पार्ट नंबर सेकंड अपने को गिवन है, स्मॉल आर इज सिग्निफिकेंट, स्मॉल आर सिग्निफिकेंट है मतलब स्मॉल आर छोटी वाली जो बॉल है इसकी रेडियस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अपन। और म्यू टू जीरो गिवन है अपने को, यानी हर जगह फ्रिक्शन वापस से जीरो है और बॉल इज फिक्स्ड, बॉल जो है वो अभी भी फिक्स्ड है। राइट, बोल जो है वो अभी भी फिक्स्ड है और गिवन अपने को क्या है, स्मॉल आर सिग्निफिकेंट है और यहाँ पे राइट म्यू टू नॉन जीरो होगा, ये मैं वहां करना भूल गया, म्यू टू यहाँ पे भी नॉन जीरो होगा और रिलैक्स दिस, हाँ अब ठीक है। तो ये था, मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाने भूल गया हूँ। तो म्यू टू नॉन जीरो है सेकेंड वाले पार्ट में, म्यू टू जो है वो नॉन जीरो मतलब इस वाले सर्फेस पे फ्रिक्शन है, और सेकेंड पार्ट में जो है पार्ट नंबर बी में होगी प्योर रोलिंग, पार्ट डी में होगी प्योर रोलिंग। तो अपने को निकालना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स 10/17, कॉस इनवर्स 10/17। पार्ट सी है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, म्यू टू इक्वल टू जीरो, बॉल इज मूवेबल। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आती है कॉस इनवर्स ऑफ √3-1, जो कि पास फाइंडर चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। और पार्ट डी जो है उसमें स्मॉल आर सिग्निफिकेंट है, म्यू टू नॉन जीरो है, यहाँ पे बुक में जो क्वेश्चन गिवन है उसमें पाथफाइंडर वाले में फ्रिक्शन की वैल्यू इस बॉल पे जीरो है, पर अपना ये वाला जो डी पार्ट है, जो पार्ट नंबर डी है, इसमें म्यू टू की वैल्यू नॉन जीरो है, बॉल भी मूवेबल है। तो थीटा में इक्वेशन बनानी है और जो इक्वेशन होगी वो ये आएगी, फाइंड दिस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ से थीटा निकालना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन ये इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं। तो फटाफट पार्ट नंबर ए जो कि मेंस लेवल को उसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो क्या गिवन है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है। तो एक चीज, ये जो पार्टिकल यहाँ पे आएगा, तो जब पार्टिकल यहाँ पे आ चुका होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जितना भी डिक्रीमेंट आएगा पोटेंशियल एनर्जी में वो कहाँ चला जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट कितना आ रहा है, अच्छा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आ रहा है, तो इसको अपन को कंसिडर नहीं करना है। तो एम जी कैपिटल आर इंटू 1-cos θ, इतना डिक्रीमेंट आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना जाएगा, ½mv², क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी नहीं, ग्राउंड पे पड़ा है तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगी, इसकी पोटेंशियल में डिक्रीमेंट इसी की काइनेटिक में इंक्रीमेंट में जाएगा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अच्छा यहाँ से m से m कैंसिल कर देते हैं, तो राइट v² की वैल्यू आ जाएगी gr into 1-cos θ,
और ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन अपनी होगी क्या कि नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर, ये जो है अपना बॉल, ये जो बॉल है इस पे एक एम जी ऐसे लग रहा है राइट, ये कैपिटल आर वाली लाइन है, ये एंगल कितना है, ये एंगल भी थीटा है, तो उसका ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा एम जी का कॉस थीटा, और यहाँ से इस पर लग रहा होगा नॉर्मल, तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ये, तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ना, तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर इज एम जी cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और जैसे कोई भी पार्टिकल जो है वो कॉन्टैक्ट चूज करता है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, एम टू एम कैंसिल करेंगे तो जी आर cos थीटा इसकी वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी, वी स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी, और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी जी आर इंटू एम माइनस cos थीटा, तो जी आर इंटू cos थीटा की वैल्यू इसकी इक्वल है दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स जी आर इंटू वन माइनस cos थीटा, तो जी आर टू जी आर कैंसिल होगा तो बचेगा अपने पास में cos थीटा इक्वल टू वन माइनस cos थीटा का ये आधा हो चुका है, और ये बचेगा कितना अपने पास में थ्री बाई टू cos थीटा इक्वल टू वन, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू होगी cos इनवर्स टू बाय थ्री राइट। तो पहला पार्ट अपना हो चुका है सॉल्व। पार्ट नंबर बी की बात करते हैं, स्मॉल आर जो है दैट इज सिग्निफिकेंट, स्मॉल आर इज सिग्निफिकेंट, म्यू टू नॉन जीरो है और बॉल फिक्स्ड है, लेकिन अपना जो छोटी सी बॉल है वो प्योर रोलिंग कर रही है, तो यहाँ पे प्योर रोलिंग होगी, और जब प्योर रोलिंग होगी तो वापस अपने क्या करना है, डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, अगर आप फिजिक्स में डीप में सोचते हैं हर चीज को, तो वो सवाल ये है जो इम्पोर्टेंट भी है कि जो हेमिस्फीयर है जब ये छोटा सा स्फीयर इस पे मूव करेगा तो छोटे से स्फीयर पे फ्रिक्शन किस तरफ रहेगा, इस पे एम जी का साइन थीटा या एम जी का साइन अल्फा ले लो, व्हेन अल्फा इज लेस देन थीटा, तो एम जी साइन थीटा आगे लगने की वजह से सेंटर ऑफ मास से फोर्स आगे लग रहा है, तो फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेगा और इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, तो अपन बोलेंगे फ्रिक्शन भी तो वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन भी तो वर्क कर रहा है, तो उसकी वजह से भी तो हीट डिसिपेट होनी चाहिए, और यहाँ पे एनर्जी वाली इक्वेशन में कुछ चीज इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि प्योर रोलिंग में जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो हरदम रेस्ट पे रहता है, तो जो अपना वर्क डन होता है विच इज एफ डॉट डी एस वेक्टर का इंटीग्रेशन, ये जो अपन निकालेंगे तो अपना फोर्स जो है वो तो फ्रिक्शन की इक्वल, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट का वो कितना है, जीरो है, तो दिस इंटीग्रल विल रिजल्ट इनटू जीरो। जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जीरो होता है तो अपना वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है ना यार। और वैसे भी दूसरी चीज, पहली चीज तो फ्रिक्शन का वर्क कितना होगा, जीरो, तो कोई भी एनर्जी में लॉस होगा नहीं। दूसरी चीज, फ्रिक्शन जो है दोनों का इंटरनल फोर्स है, अपन जो ये इक्वेशन लगा रहे हैं नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ डेल्टा के, ये इक्वेशन अपन पूरे सिस्टम पे लगा रहे हैं। सिस्टम में कौन कौन आता है, सिस्टम में आता है अपना बॉल प्लस अपनी छोटी सी बॉल सॉलिड स्फीयर जो है, तो फटाफट से इस वाले काम को करते हैं, तो डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अब की बार क्या होगा यार कि राइट, तो यहां से ही बनाते हैं अपन ये वाली जो टोटल लेंथ है, दिस टोटल लेंथ इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये गिवन है अपने को कि स्मॉल आर इज सिग्निफिकेंट, इट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू कैपिटल आर, ये वाली लेंथ भी कितनी है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये चीज कितनी है थीटा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का cos थीटा, तो डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे अपन, तो ये छोटी वाली बॉल जो है इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया, ये लेंथ कितनी होगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का cos थीटा, तो टोटल कितना हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू 1 माइनस cos थीटा, इतना डिक्रीमेंट आएगा इसकी सेंटर ऑफ मास की हाइट में, सेंटर ऑफ मास की हाइट में इतना डिक्रीमेंट आएगा राइट। तो यहां से अपन कह सकते हैं डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस का माइनस नहीं लगाना अपने को राइट, सो इट इज mg। अच्छा एक चीज और, इसका मास भी स्मॉल m है, इसका मास भी स्मॉल m, दोनों का मास सेम है, mg into capital R plus small r into 1 minus cos theta, इतना क्या potential energy में decrement, this will be the kinetic energy में increment, तो जब combined rotational and translational motion होता है तो kinetic energy में जो increment होता है beta times the translational kinetic energy of the object which is undergoing CTRM या combined translational and rotational motion, therefore we can say that जितना भी decrement होगा potential energy में mg into capital R plus small r into 1 minus cos theta, that will result in the gain in kinetic energy. Now beta, beta is 1 plus k square by r square. So 1 plus k square by r square. So this is solid sphere. So it will be 2 by 5 times translational kinetic energy jo hoti hai, that is half mv square, half m into v square. Jab hi contact loose kar rahi hogi ball, us waqt iski jo bhi speed thi, let's call that speed v,
तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में हाफ एन वी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इट, एक इक्वेशन ये हो चुकी है अपनी कितनी एम जी, अच्छा इसको देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन अपनी वापस वही, इस वाली पे एक फोर्स लग रहा होगा एम जी, यह एंगल कितना है थीटा है, तो इसका एक कॉम्पोनेंट अंदर की तरफ कितना जाएगा एम जी कॉस थीटा, तो नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर इज एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन दैट विल रिजल्ट इन एम वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि अब की बार ये सर्कुलर मोशन कर रही है इन द सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड दिस बोर इज स्टिल फिक्स्ड, अभी तक भी अपना बोर मूव नहीं किया है एज ऑफ पार्ट टू। सो वी कैन से दैट यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो होगी, जब भी कॉन्टैक्ट लूज करेगा, कॉन्टैक्ट लूज करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो होगी, तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल होगा, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू जी कॉस थीटा, और इसको उठा के अपन यहाँ डाल देंगे और फिर अपने पास में कितना आ जाएगा एम जी इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू फाइव प्लस टू दैट इज सेवन बाई फाइव टू जर टेन, तो सेवन बाई टेन इंटू एम वी स्क्वायर, वॉट इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कॉस थीटा, तो स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैंसिल हुआ हाफ एम वी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जी भी आएगा, तो दिस जी से ये जी भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, तो बचा गया 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 बाय 10 टाइम्स कॉस थीटा, ये इक्वेशन है, यहाँ से निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में कॉस इनवर्स 7 बाय 17, 7 बाय 17 आएगी या 10 बाय 17 आएगी, राइट 10 बाय 17 आएगी ना, 10 प्लस 7 17 तो 10 बाय 17, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ चुकी है कॉस इनवर्स 10 बाय 17 जैसा मैंने बताया था। तो पार्ट बी अपना जो है एक मॉडरेट क्वेश्चन और एक अच्छा क्वेश्चन है जो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट नंबर सी की बात करते हैं विच इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ चैलेंज एंड अंडरस्टैंडिंग सेक्शन रोटेशनल सेंटर ऑफ मास मोमेंटम ऑफ द बुक पाथफाइंडर, राइट। तो गाइस यहां पे भी अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे म्यू टू की वैल्यू जीरो है, यहां पे म्यू टू की वैल्यू जीरो है, यानी बॉल और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, बॉल और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, राइट, बॉल और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, और स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी इसको एक अपन पॉइंट पार्टिकल मान सकते हैं। और दूसरी चीज द बोल इज मूवेबल, अब बोल ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, दो पार्ट तक बोल रेस्ट पे था, मैं कुछ नहीं कर रहा, अब बोल मूव करना स्टार्ट करेगा, राइट। तो नया डायग्राम बनाते हैं, तो ये अपना सिस्टम है, ये अपनी असेंबली है जो भी अपन बोले इसको, तो यहाँ पे अपना पार्टिकल है ये स्मॉल एम मास का, ठीक है, ये भी स्मॉल एम मास का है, मान लेते हैं किसी भी टाइम टी पे या किसी भी एंगल थीटा पे ये स्मॉल एम का पार्टिकल जो है कॉन्टैक्ट लूज करता है, इसकी एक स्पीड तो इसके अलोंग होगी विच इज वी रिलेटिव, ये स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू बोल होगी, है ना, और बोल मान लेते हैं अपन बोल का जो सेंटर ऑफ मास है, बोल का जो सेंटर ऑफ मास है वो किसी भी वी स्पीड से मूव कर रहा है, बोल का सेंटर ऑफ मास किसी भी वी स्पीड से मूव कर रहा है और ये वी रिलेटिव स्पीड से मूव कर रहा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो इस पार्टिकल की स्पीड होगी वो कितनी होगी, वी रिलेटिव स्पीड तो इधर होगी और एक वी स्पीड इधर होगी, नेट स्पीड इसकी कितनी होगी, राइट, इसकी नेट स्पीड इतनी होगी। तो अब अपने करना क्या है, करना क्या है अपने को मोमेंटम कंजर्वेशन पी आई इक्वल टू पी एफ इन एक्स डायरेक्शन, क्यों करना है ऐसा अपने को, वाई द मोमेंटम इज कंजर्व इन एक्स डायरेक्शन, सोचिए आप एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पे कोई भी फोर्स नहीं है, आप देख सकते हैं म्यू टू की वैल्यू जीरो है, मतलब वो तो म्यू टू की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता बिकॉज म्यू टू इज द इंटरनल फ्रिक्शन, राइट, द वैल्यू ऑफ म्यू वन इज ऑलवेज सेट टू जीरो इन दिस क्वेश्चन, तो फ्रिक्शन कहीं नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पर यस वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है कौन सी, ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स है, देयरफॉर द सिस्टम द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्वड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट। तो क्या करना है अपने को, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो मोमेंटम कंजर्व करना है, तो ये वाला एंगल कितना होगा अपना, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये थीटा, दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा होता है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल कितना होता है, थीटा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज अपन क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, तो स्मॉल एम मास का जो अपना बोल है वो एम वी मोमेंटम उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और अपना जो पार्टिकल है बोल के उधर मूव करने की वजह से पार्टिकल में एक स्पीड उधर की साइड में आई है वी, और पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बोल सर्कुलर मोशन कर रहा था तो उसमें बोल के टेंजेंशियल स्पीड आई वी रिलेटिव, ये एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस थीटा, राइट। तो अपन क्या कह सकते थे, एम वी जितना मोमेंटम वो उधर ले गया तो वी रिलेटिव का कॉस थीटा, तो एम टाइम्स वी रिलेटिव का कॉस थीटा माइनस वी, क्योंकि ये नेट स्पीड इसकी आगे वाले डायरेक्शन में होगी, इस स्पीड के अपन दो कॉम्पोनेंट करेंगे,
एक कंपोनेंट नीचे एक कंपोनेंट इधर, इधर वाला कंपोनेंट होगा v रिलेटिव पर cos थीटा, ठीक है। तो नेट मोमेंटम आगे कितना ले गया, m टाइम्स v रिलेटिव पर cos थीटा माइनस v। अब अपन कह सकते हैं कि m टू m कैंसिल करो और यहां से 2v की वैल्यू कितनी आ चुकी है, v रिलेटिव cos थीटा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, तो अपन चेक कर लेते हैं यहां से। अब एक काम और कर सकते हैं अपन, क्या नेट फोर्स टू अ सेंटर इज mv स्क्वायर बाय r, तो mg का जो cos थीटा है उस तरफ आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि यार mg का cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो ये जो v है ये कौन सा वाला v है, ये है v रिलेटिव, v रिलेटिव। ये इक्वेशन जब भी अपन बनाते हैं तो ये इक्वेशन रिजल्ट बनती है अपनी सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में बनती है। तो सर्कुलर मोशन में वो वाली स्पीड लेंगे अपने को जिस जो वाली स्पीड इसकी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करनी है कर रही है, एंड दैट स्पीड इज द रिलेटिव स्पीड, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा जब ब्लॉक जो है कॉन्टैक्ट लूज करता है एमस्फेयर के साथ में, और एम से एम कैंसिल करेंगे तो बचेगा जी कॉस थीटा बराबर वी रिलेटिव का स्क्वायर और आर से मल्टीप्लाई किया। तो अब इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं अपन। अच्छा दूसरी चीज और वो क्या है, द नेगेटिव वो जितना भी डिक्रीमेंट आएगा वो कहाँ जाएगा, काइनेटिक इंक्रीमेंट में। तो ये काम कितनी बार कर चुके अपन, तो एम जी इंटू कैपिटल आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम नेट स्पीड। तो इसकी जो भी नेट स्पीड होगी इस ब्लॉक की वो नेट स्पीड कितनी होगी, नेट स्पीड होगी इसकी कितनी होगी जब दो वेक्टर्स, तो एक स्पीड तो इसकी इधर है वी रिलेटिव, एक स्पीड इसकी आगे है वी किसकी, ये अपनी है छोटी सी जो बॉल है स्मॉल आर रेडियस की, वो जब अपन ने स्मॉल आर को लेस देन कैपिटल आर दिया दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। जब दो वेक्टर 180 माइनस थीटा एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा बिकेम माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ से अपन नेट वी नेट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस वी रिलेटिव का स्क्वायर माइनस टू वी वी रिलेटिव कॉस थीटा। एम से एम कैंसिल हुआ, टू से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 2gr into 1 minus cos theta that is equal to v square plus v square become 2v square plus v relative square minus 2v v relative का cos theta। All right, बिल्कुल सही है। अब अगला काम अपन क्या करने वाले हैं, इक्वेशन सॉल्विंग। कितनी इक्वेशन अपने पास, एक और अभी मिली थी ये थी दूसरी और अभी मिली तीसरी, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व करना। क्या क्या थीटा वी और वी रिलेटिव, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को यहाँ से सब कुछ एलिमिनेट करना है। तो इस साइड में तो 2gr into 1 minus cos theta ये बिल्कुल सही है, अपने को थीटा ही चाहिए। 2v square तो v square जो है वो कितना है अपना, v square है अपना v relative square cos square theta upon 4, कितना है v relative square into cos square theta upon 4 that is the value of v square. So this is 2v square, right, plus v relative ka square minus 2v into v relative. So v ki value kitni rakhni hai apne ko, v relative ka cos theta divided by 2 into cos theta. Let's check it. So 2v v relative cos theta. So 2v relative ko as it is rakha aur 2v relative cos theta ko as it is rakha aur rakha apne v. So v ki value thi v relative cos theta upon 2. v की वैल्यू थी v रिलेटिव cos थीटा अपॉन v रिलेटिव स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, राइट। 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहां से ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। अब नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, पूछिए यार राइट। तो यहां पे था 2gr, तो अब 2gr और 2gr तो अब सॉरी gr into 1 minus cos theta that is equal to v relative square को पूरे में से common लेते हैं अपन, right, और कितना रख देते हैं rg cos theta, तो rg into cos theta this v relative के square को common लिया, तो यहाँ से v relative के square को common लेंगे तो बचेगा cos square theta upon 2, बचेगा cos square theta upon 2 plus 1 और v relative square cos v relative square को common लिया तो बचा cos square theta, so it is minus of cos square theta. This we got so far, right? Upon 2 cancel हुआ, ठीक है। तो यहाँ से भी gr से gr cancel हुआ, तो बचा 2 minus 2 cos theta that is equal to cos theta into
cos square theta plus 2 minus 2 cos square theta, that is divided by 2. अब इस 2 से उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बचेगा 2 cos 4 minus 4 cos theta, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा cos cube theta plus 2 cos theta minus 2 cos cube theta. तो this will become minus of cos theta उधर ले आएंगे तो बचेगा this will become minus of cos cube theta उधर ले आएंगे तो बचेगा plus का cos cube theta, और इस चीज को उधर ले आएंगे तो बचेगा minus का 6 cos theta plus 4, that is equal to 0. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से theta कितना आ जाएगा, cos inverse of root 3 minus 1, that is it. तो पार्ट नंबर सी भी सॉल्व हो चुका है, जो कि एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आजकल बड़ा ही जनरल क्वेश्चन बन चुका है, ये सब जगह डिस्कस होता है, कोचिंग्स पे या कहीं भी ले लो, सब जगह इस टाइप के क्वेश्चन जो है डिस्कस होते हैं, बॉल कितना मोमेंटम ले जा रही है, बॉल कितना ले जा रहा है, लाइक दैट. अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की और फिर इस वीडियो को करेंगे खत्म.